जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कम मेहनत में और आसानी से झट से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी डेज़र्ट की रेसिपी। आज हम बनाएंगे ब्रेड कस्टर्ड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम कस्टर्ड पाउडर की एक स्लरी बना लेते हैं। तो हमने 4 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसमें हम आधा कप दूध डालकर इसकी बिल्कुल स्मूथ स्लरी बना लेंगे, जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। तो जैसे ही हाई फ्लेम पर एक उबाल आने लगेगा हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। क्योंकि हम ब्रेड कस्टर्ड बना रहे हैं तो चीनी की क्वांटिटी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, तो 8 टेबलस्पून चीनी हमने इसमें ऐड कर दी। और इसी के साथ हमने जो कस्टर्ड पाउडर की स्लरी बनाकर रखी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो एक हाथ से स्लरी ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से मिलाते रहेंगे। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक गाढ़ापन ना आ जाए। इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो हमने इसे लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है और अब देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा हो गया है। तो इस तरह की हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखी है, ना ही हमने इसे ज़्यादा पतला रखा है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो हमने जो कस्टर्ड बनाकर रखा है इसे हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है, लेकिन हमने इसे पूरी तरह ठंडा नहीं किया, ये गुनगुना गर्म है। और इसी के साथ हमने कुछ ब्रेड की स्लाइसिस ली है और इन स्लाइसिस की किनारियों को हमने अलग कर लिया है। इनका इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल करके ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो हमने अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब हमने एक सर्विंग बोल ले लिया है, तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो हमें इसे बोल में इस तरह से पोर करना है कि इसकी नीचे की साइड इसका एक लेवल बन जाए। और अब हमने जो ब्रेड की स्लाइसिस ली है उसे हमें एक एक करके इसमें इस तरह रखना है कि कस्टर्ड के ऊपर इसकी भी एक लेयर सेट हो जाए। तो इस तरह से ब्रेड की एक लेयर बनाने के बाद हम फिर से इस पर कस्टर्ड पोर कर देंगे। तो इसे हमें इस तरह पोर करना है कि ब्रेड की जो लेयर है वो अच्छे से कवर हो जाए। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम फिर से ब्रेड और कस्टर्ड की लेयर बनाएंगे। तो इस तरह से हमें ब्रेड और कस्टर्ड की 3 लेयर बनानी है। आप यहाँ पर इसकी 2 लेयर भी बना सकते हैं। जब भी कुछ मीठा खाने को दिल चाहे लेकिन ज़्यादा मेहनत ना करनी हो और कम से कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके आसानी से अगर आप कोई डेज़र्ट बनाना चाहते हो तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आसान रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हमने इसकी लेयर्स अच्छे से सेट कर दी है और लास्ट में हम फिर से इस पर कस्टर्ड पोर कर देंगे। और अब हमें इसे टेप कर देना है ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स रह गए हो रिमूव हो जाए। और अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो हमने इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इससे पहले हम इसे गार्निश करेंगे, तो इस तरह की किसी भी चॉकलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो गार्निशिंग के लिए हम थोड़ी सी चॉकलेट ग्रेट करके इस पर ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर गार्निशिंग के लिए कैडबरी जेम्स का या फिर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा मज़ेदार सा ब्रेड कस्टर्ड सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।